हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी, वो भी नारियल के दूध से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झटपट बन जाता है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और तेल भी डाला है। तेल गरम हो जाने के बाद आप आधा चम्मच जीरा डालिए, फिर उसमें प्याज डाल दीजिए। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसे छोटे छोटे काट करके उसमें डालिए। फिर पत्ता डालिए और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी एक बड़ा टमाटर भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, आप इसे डालकर भी हिलाइए। अभी टमाटर फ्राई हो चुकी है, अभी मैं ये मसाला डालूंगी। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, तीनों को पानी में मिलाकर घोल लिया है और अब इसमें मिला देंगे। अभी स्वाद अनुसार नमक, आपको जितना नमक चाहिए आप उतना मिला लीजिए। नमक हमेशा कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो खाने में टेस्ट बिगाड़ देता है। अभी भिंडी डाल देंगे, मैंने इसमें 50 ग्राम्स भिंडी लिया है। अब भिंडी को थोड़ा गलने तक पकाइए। अभी भिंडी आधा गल चुकी है, अब मैंने इसमें इमली का पानी लिया है, अभी इमली का पानी मिला लेंगे। अभी ये नारियल का पतला दूध, इसे डालकर हिलाइए, थोड़ी देर पकने दे, फिर हम गाढ़ी दूध को भी डालेंगे। अब ये देखिए उबाल आ गई अच्छे से। अभी मैं इसमें नारियल का दूध का गाढ़ा दूध डाल दूंगी। और ये 3 हरी मिर्चें, फिर से अभी उबलने दीजिए थोड़ी देर। अब मैं इसे 2 मिनट ढककर रखूंगी। अभी ये भिंडी मसाला विथ कोकोनट मिल्क तैयार है, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। अभी ये रेडी है, आप गरम गरम चावल बनाइए और उसके साथ खाइए। थैंक यू।